हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिकमा तिवारी है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल लर्न स्मार्ट पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं 26 मार्च 2018 का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट अपडेशन है वो है बैंकिंग से रिलेटेड। तो पहला अपडेशन है स्मॉल फाइनेंस बैंक से। सो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू येलो आर्मी सेविंग अकाउंट। ये क्लियर, तो इसने अपनी अकाउंट फैसिलिटी बैंकिंग सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए जो पैक्ट किया हुआ, याद रखिएगा, आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ। ठीक है, अब अगर हम इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके जो पार्ट टाइम चेयरमैन हुए, याद रखिएगा, अरुण रामनाथ हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु है। अब अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिटेल में जाने तो आपको मालूम हो कि 2013 में बिमल जालान कमेटी लॉन्च्ड अ न्यू बैंकिंग कॉन्सेप्ट दैट वाज द डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। और उस डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के अंडर हमने दो कॉन्सेप्ट लॉन्च किए थे, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो पेमेंट बैंक के लिए लाइसेंस प्रोसीड करने के लिए कमेटी बनाई गई थी नचकेत मोर, एंड टू प्रोसीड द लाइसेंस इन स्मॉल फाइनेंस बैंक कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड उषा थोराट। ये क्लियर, तो टोटल जो एप्लीकेशन आए फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक दे वर द 72 एप्लीकेशन, और उसमें से जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया वो टोटल 10 को। और उनमें से जो फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक थी वो याद रखिएगा उज्जीवन, सेकंड एयू फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और लास्ट था फिनकेयर। और ये जो चौथा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका नाम है इक्विटस, सो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक मेक द एग्रीमेंट विद द CSK चेन्नई सुपर किंग टू इंक्रीज द कस्टमर्स। ये याद रखिएगा, ठीक है। कमेटी हमने याद रखी है रिलेटेड टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, दैट इज़ द उषा थोराट कमेटी। और टोटल एप्लीकेशन 72 में से जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया वो टोटल 10 बैंकों को। चलिए अब आगे चलते हैं। जो नया अपडेशन यूनेस्को से रिलेटेड है, तो पहले तो यूनेस्को का फुल फॉर्म मालूम याद होना चाहिए आपको, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1945, और जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और इसके जो 11th DG हैं दैट इज ऑड्रे एजुले। अब अपडेशन देखते हैं कि यूनेस्को से क्या है, तो वो है प्रोफेसर JS राजपूत, जो कि फॉर्मर NCERT हेड हैं। ठीक है, अपॉइंटेड एज अ इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को। ठीक है, तो ये यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एज अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, यूनेस्को से रिलेटेड अगर अनादर अपडेशन देखना है तो वो भी याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड का मोस्ट विजिटिंग साइट है दैट इज़ द अंकोर वाट टेम्पल इन कम्बोडिया, एंड इन इंडिया ताजमहल इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट विजिटिंग हेरिटेज साइट। ठीक है, और जो इंडिया का फेस्टिवल है दैट इज कुंभ फेस्टिवल, दैट इज अनाउंस्ड बाय द यूनेस्को एज अ इनटेंजिबल फेस्टिवल। बट जब हम इनटेंजिबल फेस्टिवल कुंभ की बात करें तो ये भी हमने याद रखना पड़ेगा कि जो टर्की का लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ टर्की, ऑल्सो अनाउंस्ड बाई द यूनेस्को एज अ इनटेंजिबल लैंग्वेज। द विस्टल लैंग्वेज ऑफ टर्की, विस्टल बर्ड लैंग्वेज ऑफ द टर्की, ऑल्सो अनाउंस्ड बाई द यूनेस्को एज अ इनटेंजिबल लैंग्वेज। लेकिन जो भारत का इनटेंजिबल फेस्टिवल अनाउंस किया गया वो अनाउंस किया गया कुंभ फेस्टिवल को। अब जो इंडिया का फर्स्ट हेरिटेज सिटी है अनाउंस बाई द यूनेस्को, याद रखिएगा, दैट इज द अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात इज द फर्स्ट हेरिटेज सिटी अनाउंस बाई द यूनेस्को। और जो अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो यरूशलम का प्रॉब्लम चल रहा था, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इजराइल। सो इजराइल एंड USA विड्रॉ फ्रॉम द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो दोस्तों जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में। तो फ्रांस का अपडेशन अगर याद हो तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसकी जो कैपिटल है वो पेरिस है। एंड फ्रांस इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, फ्रांस इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच बिल्ट सोलर पैनल रोड। ठीक है, एंड फ्रांस इज ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच अनाउंस्ड टू क्लोज ऑल द माइनिंग्स, ऑल द टाइप्स ऑफ माइनिंग बाई द एंडिंग ऑफ 2040। वो 2040 तक अभी अपनी कंट्री में सभी टाइप की जो भी माइनिंग्स होंगी उनको बंद कर देगा। एंड इट इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच बिल्ट सोलर पैनल रोड फॉलोड बाय द चाइना। तो ये जो अपडेशन पार्ट था वो हमारा यूनेस्को से रिलेटेड था। अनदर अपडेशन है वो है इंटरनेशनल शूटिंग
स्पोर्ट फेडरेशन जो इस समय जूनियर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया सिडनी में चल रहा है, तो ये याद रखिएगा, उसमें आनीस भनवाल वन आ गोल्ड मेडल, ठीक है। जो आनीस भनवाल हैं वो 10 25 मीटर रैपिड जो फायर पिस्टल है उसमें गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। अब ये जो इवेंट है वो याद रखिएगा, लोकेशन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जो कैपिटल है वो कैनबरा, करेंसी आप जानते हो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और वहाँ के जो पीएम है दैट इज़ मैलकॉल्म टर्नबुल। अनदर अपडेशन स्पोर्ट से लेते हैं, स्पोर्ट को ही कंटिन्यू करते हैं। तो जो नया अपडेशन वो याद रखिएगा, द इंडिया अंडर 16 टीम इमर्ज्ड चैम्पियंस इन द जॉकी कप इंटरनेशनल यूथ इन्विटेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट विद अ विक्ट्री ओवर हांगकांग। तो अभी इंडिया के जो अंडर 16 टीम है उसने हांगकांग की टीम को डिफीट किया है। अगर हांगकांग के बारे में हम जाने तो याद रखिएगा, हांगकांग इज़ एन ऑटोनोमस टेरिटरी एंड फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी इन द साउथर्न ईस्ट चाइना। दूसरा अपडेशन पंकज आडवाणी से रिलेटेड है। सो पंकज आडवाणी डिफेंडेड हिज एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप, उन्होंने एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप को जीत लिया है, और ये जो विनिंग हुआ है ये म्यांमार में, यांगोन म्यांमार। तो म्यांमार की अगर हम कैपिटल की बात करें तो आपको मालूम है नेपिडा। करेंसी जो अगर हम बात करें तो करेंसी जो है इसकी कयात, और इसके जो काउंसलर उनका नाम है ओंग सान सू की, ठीक है। अनादर अपडेशन जो फॉर्मूला वन जो ग्रैंड प्रिक्स है उससे याद रखिएगा कि जो सीजन फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का जो सीजन फर्स्ट फॉर्मूला वन रेस का जो टूर्नामेंट था उसमें जो विनर हैं वो सेबास्टियन वेटल हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हैं फेरारी के, और जो सेकेंड फॉलोअर्स हैं अगर हम बात करें उनकी तो लेविस हैमिल्टन जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं मर्सिडीज़ के। तो ये जो फर्स्ट सीजन का जो फॉर्मूला वन था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स विन बाय द सेबास्टियन वेटल। चलिए अनदर अपडेशन इंटरनेशनल देखते हैं। सो इंडिया हैज़ ओवरटेकन जर्मनी टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया जर्मनी को ओवरटेक करके वर्ल्ड में फोर्थ ऑटोमोबाइल लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है। सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ग्लोबल डाटा, ऑटोमोबाइल सेल्स इंक्लूडिंग पैसेंजर्स एंड कॉमर्शियल व्हीकल इन एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्रो अप। तो अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें ऑटोमोबाइल मार्केट में वर्ल्ड में तो वो फोर्थ है, बट जो टॉप पोजीशन पर है वो चाइना, यूएसए एंड जापान, ठीक है। बट अगर हम जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, सो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी विद द जीडीपी अमाउंट 2.5 ट्रिलियन डॉलर। और अगर हम टूरिज्म सेक्टर में देखें तो याद रखिएगा, इन द टूरिज्म सेक्टर इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सेवेंथ लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू 2018, बट 2028 तक में भी जो इंडिया टूरिज्म के सेक्टर में हो जाएगा वो याद रखिएगा दैट विल बी द थर्ड, ठीक है। अभी जो इस समय चल रहा है वो इस समय है हमारा सेवेंथ पोजिशन। चलिए अनादर पार्ट को हम करते हैं, अनादर अपडेशन रिलेटेड है वो सेंसस से रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा, बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस, बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस रिपोर्ट, बंगाल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैगर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट बंगाल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैगर्स। तो ये जो रिपोर्ट कंडक्ट की जाती है ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के थ्रू, जिसके मिनिस्टर हैं थवार चंद गहलोत। तो बंगाल की अगर हम सीएम की बात करें तो याद रखिएगा ममता बनर्जी, और जो गवर्नर हैं बंगाल के वो केसरीनाथ त्रिपाठी। तो अगर हम इस सेंसस के अकॉर्डिंग जो 2011 में कंडक्ट हुआ टोटल अगर बेगर्स को देखा जाए सो दे आर द टोटल 4 लाख बेगर्स, और जो मैक्सिमम है वो याद रखिएगा 81,000 के अप्रोक्स इन वेस्ट बंगाल। जो लीस्ट नंबर ऑफ बेगर्स हैं इन लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है जो कि काउंट हो गए हैं अप्रोक्स 2, और बंगाल के बाद अगर हम बेगर्स की संख्या देखें तो यूपी और बिहार में है, ठीक है। बट अगर हम चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम देखें तो मैक्सिमम याद रखिएगा वो यूपी में है, उसके बाद बिहार एंड थर्ड इज़ द महाराष्ट्र। बट ऑन द अकॉर्डिंग टू द सेंसस बेसिस मैक्सिमम बेगर्स इन द वेस्ट बंगाल, गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी एंड द सीएम इज ममता बनर्जी। और ये जो रिपोर्ट रिप्रेजेंट की जाती है वो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के थ्रू, जिसके मिनिस्टर है थेवार चंद्र गहलोत। चलिए अनादर पार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से या पावर जनरेशन से। सो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ग्रो
34% over 7 years in 2017. द कंट्री नाउ प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन जापान एंड रसिया. जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, वो जापान और रसिया से भी आगे निकल चुका है. तो हम इस समय जो पोजीशन है वो याद रखिएगा. थर्ड में जो टॉप पोजीशन है वो चाइना, यूएसए एंड इंडिया, और इंडिया ने जो सरपास कर गया है वो जापान और रसिया को. ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ जो पावर मिनिस्टर है वो आपको याद ही होंगे, पीयूष गोयल. इस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिनिस्टर है वो याद रखिएगा, पीयूष गोयल. अब कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम है. तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रोग्राम है दैट इज़ द सौभाग्य स्कीम, और दूसरा है उदय उन्नत डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो है IPDS, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर आपको याद हो तो पहले जो ओल्ड प्रोग्राम था उसका नाम था राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना, बट उसको अभी डिस्क्लोज किया गया और उसकी जगह जो स्कीम लॉन्च की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना. दैट मीन्स राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण रिप्लेस्ड बाय दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना. अब अगर कुछ स्टैटिक पार्ट इससे किया जाए तो इंडिया का जो फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड स्टेट है वो याद रखिएगा, दैट इज़ द गुजरात, एंड सेकेंड फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश. ठीक है, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में देखा तो हमारी जो पोजिशन है वो थर्ड है. दूसरा, इसी तरीके से देखा जाए जो बम्बू प्रोडक्शन है जिसको ग्रीन गोल्ड नेम दिया प्रेसिडेंट ने, वो इस प्रोडक्शन में, बम्बू प्रोडक्शन में हमारी पोजीशन सेकंड है. आयुर्वेदा और फिश प्रोडक्शन में भी हमारी सेकंड पोजीशन है, बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में याद रखिएगा दैट इज़ द थर्ड पोजीशन. चलिए अब अनादर पार्ट को देखते हैं हम, वो ISE से रिलेटेड है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो उसकी मिनिस्टर है सुषमा स्वराज, ISE एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर साइंड द होस्ट कंट्री एग्रीमेंट. द ISE इज एन इनिशिएटिव ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय द PM मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ऑन 30 नवंबर 2015 पेरिस, फ्रांस. ठीक है, तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो इंडिया के PM मिस्टर मोदी के थ्रू 2015 पेरिस, फ्रांस में. द ISE बिकम द फर्स्ट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन टू बी हेडक्वार्टर इन इंडिया. तो ISE का पहले तो आपने फुल फॉर्म याद रखना है कि ISE का मीनिंग क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और लॉन्चिंग जो की गई थी इंडिया के PM मोदी के थ्रू पेरिस, फ्रांस में, और इसका जो हेडक्वार्टर है इन इंडिया. अनदर अपडेशन, वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट शिप से रिलेटेड है. तो ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप है वो याद रखिएगा, क्रूज लीनियर सिम्फोनी ऑफ द सीज हैज़ लेफ्ट द शिपयार्ड ऑफ सेंट नजरे इन फ्रांस टू एम्बार्क ऑन इट्स मेडन वोयाज इन द मेडिटेरियन सी. ठीक है, अगर इस शिप के टोटल वेट्स की बात की जाए तो वो अगर हम बात देखें तो 2,28,000 टन है, और इसकी जो लेंथ है वो 362 मीटर्स है. ठीक है, अनादर कुछ क्विक क्वेश्चन करते हैं हम. ठीक है, तो ये है कि 86 ईयर्स आफ्टर द सिटी गॉट इलेक्ट्रिसिटी ओवर हेड पावर केबल्स इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट सिटी वाराणसी. तो ये याद रखिएगा कि जो वाराणसी है फुली वायरलेस हो चुका है. ठीक है, नाउ वाराणसी इज़ द फुली वायरलेस, और इसमें अभी फाइनली जो केबल्स थी, वायर केबल्स, वो सभी अंडरग्राउंड कर दी गई हैं, और ये जो सभी की गई हैं वो द अंडर द स्कीम IPDS, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम. अगर हम वाराणसी की बात करें तो याद रखिएगा इसको कुछ नेम भी दिए गए हैं यूनेस्को के थ्रू, सिटी ऑफ म्यूजिक एंड सिटी ऑफ टेम्पल, और साथ में PM नरेंद्र मोदी का कंस्टिट्यूएंसी भी है. और जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो लोकेटेड एट द वाराणसी. और अनादर अपडेशन ये भी है कि मिस्टर 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद विजिटेड वाराणसी ऑन अ वन डे विजिट टू उत्तर प्रदेश. सो ड्यूरिंग हिज दिस विजिट टेम्पल सिटी विजिट मिस्टर कोविंद लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट. ठीक है, और जो हाईवे प्रोजेक्ट अगर हम बात करें तो वो आते हैं मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी के अंडर. अनादर अपडेशन में देखें, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिस्टर सुषमा स्वराज हैं, हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव जिसका नाम है विदेश आया प्रदेश का द्वार. तो ये याद रखिए, विदेश आया प्रदेश के द्वार, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया हैदराबाद में. इसका जो मेन पर्पज़ है
द इनिशिएटिव इज़ टू क्रिएट अ पूल ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स इंटरेस्टेड इन फॉरेन पॉलिसी एंड गाइड देम ऑन कनेक्टिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो कैंपेनिंग है वो याद रखिएगा, विदेश आया प्रदेश के द्वार। अनदर अपडेशन है वो पंजाब से रिलेटेड, तो हॉकी पंजाब हैज़ वन द 8th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप टाइटल, द पद्मा श्री मोहम्मद सैयद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम इन लखनऊ। अनदर अपडेशन है वो ये है कि राष्ट्रीय राइफल्स बाई एनियल कॉन्फ्रेंस इज़ बीइंग कंडक्टेड एट नगरोटा नगरोटा इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के सबसे पहले तो सीएम याद रखिएगा, महबूबा मुफ्ती, और दूसरा वहाँ के जो गवर्नर जेएन के वो भी हमने याद रखना है, एनएन वोहरा। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय राइफल बाई एनियल 2 साल में ये कंडक्ट की जाती है, इसकी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो जम्मू एंड कश्मीर में। नया अपडेशन ये है कि 2018 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डाउन सिंड्रोम वाज ऑर्गेनाइज बाई नेशनल ट्रस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन दिल्ली। तो सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर आपने वो किए थे, मिस्टर गहलोत। अनदर अपडेशन है वो ये है कि जो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ ग्राफिक प्रिंट प्रिंट्स बाई एनियल इंडिया 2018 हैज़ स्टार्टेड एट रविंद्र भवन गैलरी ऑफ द ललित कला अकादमी इन न्यू दिल्ली। सेकेंड ये कि जो जितनी भी हमारे इंडिया में हाई कोर्ट हैं, 24 देर आर टोटल 24 हाई कोर्ट इन इंडिया, उन सभी हाई कोर्ट पर एक जस्टिस क्लॉक लगाई जाएगी और ये एलईडी मैसेज डिस्प्ले बोर्ड होगा। ठीक है, सभी कोर्ट्स में ये लगाई जाएगी, दैट इज़ द एलईडी मैसेज डिस्प्ले बोर्ड। ठीक है, विच रिप्रेजेंट डेली रेट ऑफ डिस्पोजल केसेस द नंबर ऑफ पेंडिंग्स। तो सभी कोर्ट में कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए कि कौन कोर्ट कितने केसेस को सॉल्व कर सकता है, उसके लिए जस्टिस क्लॉक्स लगाई जाएगी। तो ये सभी कोर्ट्स में होगी, जिसका जो मेन एम होगा टू रिप्रेजेंट डेली रेट ऑफ डिस्पोजल केसेस एंड द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। ठीक है, अब अनदर अपडेशन जो है वो इंटरनेशनल है, जो अफगानी लेग स्पिनर हैं राशिद खान, फास्टेस्ट टू पिक 100 ODI विकेट्स एंड ही इज ऑल्सो द यंगेस्ट क्रिकेट प्लेयर। तो अफगानिस्तान का तो आपको मालूम होगा कि अगर अफगानिस्तान के हम पीएम की बात करें, मोहम्मद अशरफ गनी, वो आपसे पूछ सकता है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब इसरो से रिलेटेड है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि GSAT-6A सेकेंड S-बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो अभी इसरो है वो लॉन्च करने जा रहा है। तो इसरो आप जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी न्यूली अपॉइंटेड जो चेयरमैन है डॉक्टर के सिवन, और इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं कि बंगलुरु कर्नाटका में है, और एस्टेब्लिशमेंट इसरो का 1969 है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, दैट इज़ द GSAT-6A सेकेंड S-बैंड। ठीक है, चलिए अनदर अपडेशन वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से है। सो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज़ अप्रूव्ड स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। उन्होंने मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जो MHRD के हेड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अप्रूव्ड स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम टू टारगेट फॉरेन स्टूडेंट बाई ब्रांडिंग इंडिया एज एन अट्रैक्टिव एजुकेशन डेस्टिनेशन। दूसरा प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है वो है सरस आजीविका मेला न्यू दिल्ली में, टू प्रोवाइड रूरल वुमेन प्रोड्यूसर विद अ नेशनल प्लेटफॉर्म एंड एन अपॉर्चुनिटी टू शो केस देयर प्रोडक्ट्स एंड सीक बायर्स। तो दोस्तों ये जो हमारा था आज का 26 मार्च 2018 का करंट अफेयर था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। ये सेक्शन हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।